न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। शिवसेना हिंदुस्तान की महिला ब्रिंग की पंजाब प्रधान राजवीर कौर वर्मा द्वारा बठिंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उनके साथ पार्टी सदस्य सुखचैन भार्गव, प्रदीप कुमार तथा सुशील जिंदल के अलावा अन्य सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता जी की सुरक्षा की मांग को लेकर पार्टी के सभी ब्रिंगों द्वारा 18 जुलाई को पटियाला में काली माता के मंदिर से लेकर सीएम हाउस तक रोस मार्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि मांग ना मानेगी तो संघर्ष को और कड़ा किया जाएगा। आइए देखते हैं इस पर विशेष रिपोर्ट। मैं राजवीर कौर वर्मा, पंजाब प्रधान शिवसेना हिंदुस्तान महिला विंग। अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद सीगा, जिवें कि पिछे सबनों पता कि कोविड के दौरान काफ़ी सारे नेतावां दी जो सुरक्षा सीगी वो वापस कर ली गई सीगी, मतलब कि घटा दिती गई सीगी, जिदे विच सब तो वध सुरक्षा घटाई गई 98% सुरक्षा श्री पवन कुमार गुप्ता जी, जो कि साढ़े राष्ट्रीय प्रमुख ने शिवसेना हिंदुस्तान ने, उन्हां दी सुरक्षा 98% विदड्रॉ कर दिता गया। तो अनलॉक होने तो बाद बाकी सारे जिन्हें भी नेतागण सीगे उन्हां दी सुरक्षा तकरीबन वापस आ गई है, उन्होंने सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। पर कोई निजी रंजिश के चलते हुए श्री पवन कुमार गुप्ता जी की प्रशासन के नाल कोई ना कोई निजी रंजिश प्रशासन ने अपने मन के विच रखी, तो श्री पवन कुमार गुप्ता जी की सिक्योरिटी है जो वह मुहैया दोबारा तो नहीं करवाई गई हैगी, बहाल नहीं की गई, जिस दे चलते श्री पवन कुमार गुप्ता जी की उन्हां दी पूरी फैमिली की जान नू खतरा बनया होया है, क्योंकि अतवाद के दौरान श्री पवन कुमार गुप्ता जी पूरा डट के अतवादियों के खिलाफ लड़े सन, तो अतवादियों के खिलाफ मैदान विच सीगे, ते उहदे दौरान उन्हां दे बहुत सारे अतवादी वक्खवादी जो दुश्मन बन चुके ने, ते सबनू पता कि पिछले समय के दौरान किन्ने खालिस्तानी अलग अलग जगह तो साडे देश विच जां पंजाब विच पकड़े गए ने, ते उन्हां ने भी अपने मूहों यही कबूलिया है कि जिहड़े हिंदू नेता उन्हां दे टारगेट ते सीगे। हुण साडी यही मंग आ कि प्रशासन की जो अनदेखी की जा रही आ, सरकार इहदे विच खुद ये मामले दे विच संजीदगी लेंदे, ये मामले नू संजीदगी दे विच लेंदे होए सरकार खुद ये मामले दे विच आवे, तो श्री पवन कुमार गुप्ता जी की सिक्योरिटी जल्द तो जल्द मुहैया करवाई जाए ताकि उन्होंने परिवार से बनया हुआ खतरा टाल सके। अजिहा ना होने के हालातों के जेकर श्री पवन कुमार गुप्ता जी के उपर कोई आँच भी आ जाती है तो पूरे हिंदू समाज के बहुत वड्डा आक्रोश होएगा, जिस दे नाल पंजाब का माहौल भी खराब हो सकता है, तो सरकार दी कांग्रेस सरकार दी छवि दे उपर बहुत वड्डा सवालिया निशान लग जाएगा, तो इहदा खामियाजा भी पूरा सरकार नू भुगतना पएगा। सीएम साहब नू ए साडे वल्लों अपील आ कि जल्द तो जल्द इस मामले नू ध्यान विच लिआंदा जावे। मैडम, उन्हां नू धमकी वगैरह भी दित्ती गई है? कोई धमकी तो जी देखो समय समय से उन्होंने आदियां रहिंदियां ने, भावें चिट्ठी के रूप के, हाँ जी उन्होंने इंटरनेट पर तकरीबन धमकियां मिलदियां रहिंदियां ने। पिछे कुछ क साल हो गए, एक दो साल ही होया, उन्होंने घर के बैकसाइड पर भी एक बंब बनाता बंदा पकड़िया गया सीगा, जिस दे मामले नू भी खुरद फुरद कर दिता गया, तो इस तरीके नाल उन्होंने हमेशा तो ही खतरा बनया रहिंदा। ते सानू शिवसेना सूरी वल्लों गलत मलत बयान दिते गए ने, उहदे बारे तुहाडा की राय? देखो जी, एक तो वो अपने एजेंडे पर काम करते हैं ना, उन्होंने शिवसेना साड़ी शिवसेना हिंदुस्तान है, ठीक है। अगर चलो उन्होंने कुछ गलत किया तो उन्होंने उस तरीके का प्रशासन ने जो एक्शन लेता तो उन्होंने पकड़ भी लिया गया, तो मैं यही कुड़ी होने के नाते जो उन्होंने गल्ल कही उस बारे तो देखो अगर कही ने, जिमें कि हूँ मैं तो उन्होंने ये वीडियो भी देखी सी जिद कह रहे थे कि वॉइस ओवर किया गया ना, जदों तक मामला पूरी तरह क्लीयर नहीं हों आप कुछ कह भी नहीं सकते गे। हाँ अगर कई ने तो सब दिया धियां भैन समान ने, पर इतने मैं एक गल होर भी कहना चाहवागी, जिस तरीके सूरी जेडे है प्रधान ने उन्होंने सुदेश सूरी जिस तरीके गिरफ्तार 1300 किलोमीटर दूर जाके पुलिस ने किया बहुत वधिया किया, अगर वो गलत ने, अगर साबित होंदा कि वो गलत ने, पर इत्थे मैं ये भी कहना चाहवांगी कि हर रोज़ किन्ने ही खालिस्तानी पेज जो कि इंटरनेट पर चल रहे हैं, FB पर चल रहे हैं, वो मेरिया खुद दियां तस्वीरां भी इन्होंने एडिट करके पाईया,
और हर रोज़ हिंदू लेडीज़ दियाँ हिंदू समाज नाल संबंधित महिलावां दियाँ तस्वीरां नूं एडिट किया जाता तो उन्होंने उपर गंदी शब्दावली लिख के उन्होंने वायरल किया जाता और उन्होंने फोन भी आते हैं कई बार तो हिंदू देवी देवत्या की फोटो नाल भी इदा ही किया जाता तो उन्होंने उपर कदे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं ये चाहवांगी प्रशासन तो कि जिस तरीके इस मामले के बहुत फुर्ती कार्रवाई की गई है इस तरीके बाकी के मामलों के भी कार्रवाई की थी। मैं दसना चाहवांगी शिवसेना हिंदुस्तान जो है 18 स्टेटां दे विच बहुत ही सक्सैसफुल चल रहा एक संगठन है जिस दे विच असीं इलैक्शन भी बकायदा तौर पर लड़ाने मैं खुद इलैक्शन लड़े हुए ने एक्स MP कैंडीडेट हाँ मैं लोकसभा हलका संगरूर तो।